सत्र 2022-23 में जैक बोर्ड से मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि में बदलाव होने वाला है। यह जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह से बात करने के बाद दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अंततः राज्य सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की, पर बड़ा प्रश्न यह है कि कार्मिक विभाग ने झारखंड के महापर्व सरहुल की छुट्टी को गलत तरीके से 23 अप्रैल को कैसे अधिसूचित किया, जबकि यह 24 मार्च को है। कार्मिक विभाग के मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं। इस बड़े गलती की जवाबदेही तय हो और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो। दरअसल ये पूरा मामला राज्य सरकार के कैलेंडर में सरहुल की तारीख की गलत जानकारी दिए जाने के बाद हुआ ये कि झारखंड सरकार के कैलेंडर में साल मनाई जाने वाली सरहुल महापर्व की तारीख 23 अप्रैल छप गई है। जब परीक्षा की तारीखों की घोषणा होने लगी तो इसी कैलेंडर को आधार बनाकर पूरा शेड्यूल निकाला गया। अब यह जानकारी आ रही है कि सरहुल महापर्व इस साल 24 मार्च को है। जैक के परीक्षा प्रोग्राम में 24 मार्च को मैट्रिक के गणित और इंटर की परीक्षा की तिथि घोषित है। अब इस तारीख को परीक्षा न होकर अगली घोषित तारीख को परीक्षा होगा। देखिए, अंततः राज्य सरकार ने अपनी गलती मानी और शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो 24 मार्च को महापर्व सरहुल के दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनकी तिथियों में बदलाव किया जाएगा। और इस मुद्दे को लेकर आदिवासी मूलवासी समाज लंबे समय से आक्रोशित था। मैंने भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि आखिर कार्मिक विभाग ने कैसे ये गलती की कि उसने सरहुल की छुट्टी को 23 अप्रैल को अधिसूचित किया, जबकि सरहुल 24 मार्च को है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कार्मिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस स्तर पे चूक हुई और जिन अधिकारियों के कारण चूक हुई उन पर क्या कार्रवाई होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।